चलिए लेट्स स्टार्ट विद तो दो वे से हम जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनको बैलेंस करते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपने कल पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखो, ठीक है, उसके बाद में आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताती हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द इक्वेशन सी यू प्लस एनओ थ्री नेगेटिव इट गिव्स एनओ टू प्लस सी यू टू पॉजिटिव। ये आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, आपने इसको बैलेंस करना है। दिस इज बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड यू आर गिवन इन द एसिडिक मीडियम, मीडियम एसिडिक है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम। ये पढ़ के आए हो आप ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कौन कह रहा है, वन जीरो है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, सो इट विल बी जीरो। एनओ थ्री नेगेटिव का निकाल लो, नाइट्रोजन का इसमें निकाली है प्लस फाइव, ओके। उसके बाद एनओ टू में नाइट्रोजन का निकाल लो, एनओ टू में नाइट्रोजन का फोर, यहाँ पर प्लस टू क्योंकि ये आयन है तो इसका तो सेम ही रहेगा, ओके। अब देखते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। तो ये जीरो से प्लस टू में गया, दैट मींस हियर देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस मार्क्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ओके। इसकी रिडक्शन हुई है क्योंकि ये फाइव से किस में गया है, फोर में गया है, सो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, सो इट अंडरगोस रिडक्शन, क्लियर। अब हमने साथ में ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि कितने से ऑक्सीडेशन हुई है और कितने से रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन कितने से हुई है, जीरो से कितने में पहुंचा, वो जीरो से टू पे गया तो वन एंड टू, टू से हुई उसकी ऑक्सीडेशन बाय टू। एंड वॉट अबाउट हेयर, रिडक्शन बाय, रिडक्शन बाय वन, ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, जो इनके अल्टरनेट नंबर्स हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यानी कि ये वाला जो कॉपर का नंबर टू है उसको मैंने किसको देना है, और ये जो एनओ थ्री वाला नंबर है उसको मैंने किसमें देना है, कॉपर, ठीक है। और ये चीज हमने सिर्फ रिएक्टेंट साइड करनी है, प्रोडक्ट साइड नहीं करनी, ये चीज हमने सिर्फ किस साइड करनी है, रिएक्टेंट साइड, ओके। जो प्रोडक्ट है वो आपने एज इट इज मेंशन कर देने हैं आगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें बैलेंस कर देते हैं। तो दो नाइट्रोजन है, देयर आर टू नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, यहां पर भी टू आ जाएगा, ओके। कॉपर वन है, कॉपर वन है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, राइट। अब हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, उधर कितने ऑक्सीजन है, इधर, तो आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देने हैं। तो इस साइड कितने आएंगे, जितने आपने वाटर ऐड किए हैं उतने ही आपने हाइड्रोजन कैलकुलेट करके एच पॉजिटिव आयन दूसरी तरफ ऐड कर दिए। अब एच पॉजिटिव आयन इस तरफ कितने बने हैं, फोर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने फोर प्लस कर देना, फोर एच पॉजिटिव। सो दिस इज द बैलेंसिंग मेथड इन द एसिडिक मीडियम, समझ आया सहज, पहले भी थोड़ा बहुत ही रह गया, क्या नहीं समझ आया इसमें,
मतलब आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, ठीक है, जितने भी लगे, दो तीन चार जितने भी ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लगाने हैं, और साइड बाय साइड उतने ही आपने जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस करने के लिए लगा देने हैं एज एच पॉजिटिव। क्या कॉपर तो बैलेंस्ड है? ये वाला कह रहे हो? ये ऐसे ही आता है, क्रिस क्रॉस होके आएगा, वहीं से बैलेंसिंग करनी है, ठीक है मैम। मैम अपनी इंटरचेंज किए रिएक्टेंट साइड पे? हाँ जी बेटा, ये जो इसका टू है कॉपर वाले का, वो मैंने NO3 को दे दिया है, और ये जो NO3 का वन है ये मैंने कॉपर को दिया, ठीक है? ओके मैम। तो आगे वाले जो आपके रिएक्टेंट्स के आगे वाला जो नंबर है वो आपने इंटरचेंज करना है दोनों के लिए, और ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना है, प्रोडक्ट साइड नहीं करना है। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए बेटा राइट डाउन द नेक्स्ट रिएक्शन, खुद बैलेंस करनी है अब आपने। आई एम गोइंग टू राइट द रिएक्शन नाउ, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव कर ली थी, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से की होगी। हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से भी करो ना, फिर प्रोसीजर भी सेम है। फिर MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। प्लस वॉटर, अगेन दिस इज इन द एसिडिक मीडियम। हाँ तो वॉटर है तो क्या बात हो गई, फिर क्या हो गया, एड हो जाएगा। हाँ अगर लास्ट में आपके चार एड हुए तो चार प्लस एक ये पांच हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा डू द रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ दीज रिएक्शन। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सहज तू बताएगी मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर सबके। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने से बता दे, नहीं आते है? देख दे सहज, हाँ जी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है उसको हम एक्स लेते हैं, माइनस फोर टू सा एट इज इक्वल टू, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एट, एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, हाँ जी ऑक्सीजन के ऊपर टू नेगेटिव चार्ज होता है, रूल्स करवाए थे ना उस दिन मैंने, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो टू नेगेटिव है तो फोर टू सा एट हो गया। ओके जो चार्ज स्पीशीज हैं उनका वही चार्ज हम ले लेते हैं, सो दैट विल बी प्लस टू, ये भी चार्ज है इट विल बी आल्सो प्लस टू, ये भी चार्ज है इट विल बी आल्सो प्लस थ्री, ठीक है। वाटर का हमने लिखना नहीं है क्योंकि इन्हीं में से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल जाना। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, किसका इंक्रीज हुआ है, इसका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, टू से थ्री हो गया तो इसका इंक्रीज हो गया बाय वन, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसका बताओ प्लस सेवन से किस में गया, दैट इज डिक्रीज बाय कितने से, फाइव, बाकी बैलेंस करो। तूने बैलेंस नहीं ना की, पहले वाली बोली जा रहा है ना,
हाँ उसी में से बोल रहे हो। हाँ तो हाँ जी बोलिए बेटा। बस ठीक है। मैम एक मिनट, चार्ज भी बैलेंस है बेटा, देख लो। Fe का अकेला थोड़ा लेना है, चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड, दे शुड बी बैलेंस्ड। एक्सक्यूज मी मैम, साइड देखिए, रुक जा। सहज हो गया? नमन दिखाओ, क्या बताऊं? बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है बताते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करो इनके नंबर्स के साथ। ये जो MnO4 है इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? वन देखो, जो Mn का है दैट इज 5, तो यानी कि वो Fe पर जाएगा तो Fe के साथ 5 आ जाएगा। जो Fe वाला है दैट इज 1, ठीक है, तो इसके आगे 1 लग जाना है, वो हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव, 5 Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। अब इसमें से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आपने उन सबको बैलेंस करना है। ओके, सो डू द बैलेंसिंग ऑफ दिस। Mn तो बैलेंस ही है दोनों तरफ। अब उसके बाद हमने क्या बैलेंस करना है सहज? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने हैं, इधर कितना है? एक, तो कितने लगाऊं हाइड्रोजन? इधर कितने हाइड्रोजन लगाऊं? सॉरी, वाटर कितने लगाऊं बेटा? यहाँ पर चार ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी, ये पूरी साइड मैंने चार बनाने हैं, तो 3 वाटर ऐड करेंगे। कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए शो कर रही हूं मैं, देख तो लो पहले एक बारी। 3 + 1 क्यों लिख दिया है ना? चलो उसके बाद अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 × 2 = 6, 7, 8। इधर कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, तो 8H+। अब जो इसको मिर्ची लड़ रही थी कि मैंने 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा क्यों लिख दिए हैं, ये ले, प्लस माइनस को कर लो ना प्लस। ये देखो 5, 5 × 2 = 10 पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ये हो गया 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, 9। तो ये इसके साथ कितना हो जाना है प्लस में? 17, 18, 19, 20, 21। हुआ कि नहीं? 2 ये है, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, इधर भी 17 है। तो ओवरऑल चार्ज देखना है आपने कि ओवरऑल चार्ज की टर्म्स में जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम होने चाहिए, एक अकेले अकेले पे नहीं देखना, ठीक है। एसिडिक वाला क्लियर हो गया? एक आधी और एग्जांपल हो के बेसिक पे चलें। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आयरन, नाउ डू द बैलेंसिंग ऑफ, राइट डाउन क्या क्या। नहीं वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी बैलेंस ही होगा, ठीक है। चलिए राइट डाउन फॉर MnO4 नेगेटिव, हाँ जी, प्लस SO2, इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव, प्लस HSO4 2 नेगेटिव, HSO4 2 नेगेटिव, हाँ जी। चलो बेटा करो,
और आंसर बताओ मुझे. Do this balancing in the acidic medium. ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो पहले सबके और वेरीफाई करवाओ मुझे. नो. फाइव कैसे आ गया? HSO4 2 नेगेटिव है. सल्फर का निकालोगे? इधर भी तो सल्फर है, उधर भी तो सल्फर का निकालोगे. -6 मैम, +6 आएगा मैम, +6 आएगा. 1 x -4 2 8 = -2. तो ये -7 हो गया. 5 आ रहा है. ओके चलो +5 इसका चार्ज, +2 इसका कितना आया? +4 इसका +7 क्या हुआ है? फ्रॉम 4 to 5 इंक्रीज बाय 1. डिक्रीज किसका हुआ है? डिक्रीज बाय 5. ठीक है, तो इसका डिक्रीज हुआ है बाय 5. तो ऑपोजिट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन. तो दिस विल बी MnO4 नेगेटिव +5 SO2. इट गिव्स +HSO4 2 नेगेटिव. दोनों तरफ Mn बैलेंस्ड है. सल्फर इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? इस तरफ कितने हैं? 4. तो ये 10 और +4 है. ठीक है, तो 6H2O. हाइड्रोजन कितने हुए? कितने हो गए? 6 2 12. 12 में से 5 माइनस करो. 7. क्या ये वॉटर? इधर ऑलरेडी देखो ना, 5 4 20 बन रहा है. 5 4 20 ऑक्सीजन बन रहे हैं. इधर देखो 5 2 10 10 + 4 14 बने. तो कम किस तरफ है? इस तरफ. तो इसलिए 6 ऐड किए इस तरफ. फिर जितने आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड किए हैं, ठीक है, उतने ही एज एच पॉजिटिव आपने दूसरी तरफ ऐड कर देने हैं. 6 2 12 थे ऑलरेडी, यहाँ पे 5 तो लगे हुए हैं, तो बाकी कितने बच गए हैं? 7. हाँ जी, आपने ऐसे ही ऐड करना बेटा. एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में ऐसे ही करनी है एडिशन. अब बेसिक मीडियम की करते हैं. एक राइट डाउन 1 फॉर द बेसिक मीडियम. CrOH4 नेगेटिव. अभी ये हम बेसिक मीडियम की करेंगे. CrOH4 नेगेटिव प्लस H2O2. इट गिव्स CrO4 2 नेगेटिव प्लस वॉटर.
दिस इज इन द बेसिक मीडियम. डिफरेंस कहाँ पर है बस वो सुन लो. जो आप लास्ट में एच पॉजिटिव ऐड करते हो, बाकी सारा स्टेप सेम करना है. पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, फिर आपने ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है, वाटर के साथ पहले. फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना. ऑक्सीजन तक सेम है सारा, जहां तक आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हो. उसके बाद आपने ये देखना है कि चार्ज किस तरफ कम है. जिस तरफ जितना चार्ज कम होता होगा आपने उतना ही OH नेगेटिव आयंस ऐड करवा दे. सपोज 2 नेगेटिव कम है तो आपने 2 OH नेगेटिव ऐड करवा दे, ठीक है. जितने आपने ये OH नेगेटिव आयंस अटैच किए हैं जिस साइड भी, उससे ऑपोजिट साइड आपने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड कर दे. मतलब इसको आपने किसके साथ कंपेंसेट करना है, वाटर के साथ. बाकी सारा स्टेप सेम है. चलो करो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तक. ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो और ऑक्सीडेशन देखो ना, इसका निकालना है क्रोमियम का X माइनस OH पे कौन सा चार्ज होता है, वन नेगेटिव OH नेगेटिव होता है हाइड्रोक्साइड आयन. कितने लगे हुए हैं, तो 4 × −1 इज ऊपर बैलेंस्ड, ठीक है. ऊपर जो इसका चार्ज है ब्रैकेट का, डेट इज −1, तो X इज इक्वल टू −1 प्लस, तो +3 इसका चार्ज है, तो +3 लिखो. इसका भी बताओ मुझे H2O2 में, ये आपको स्पेशल केस बताया नहीं है. हाँ, इसमें ऑक्सीजन का स्पेशल केस है ऑफ H2O2 वेयर द ऑक्सीजन इज कैरिंग −1 चार्ज, और किसी का देखना ही नहीं है हमने. नहीं, ये स्पेशल केस है. एक H2O2 वाला, एक Na2O2 वाला, उसमें भी ऑक्सीजन का −1 लेना. Na2O2 इन दैट ऑल्सो यू विल बी कंसिडरिंग ऑक्सीजन इन −1 स्टेट, ये याद रखने हैं. जैसे OF2 की एक्सेप्शन है कि उसमें आपने फ्लोरीन को +2 लेना है बजाय −2 के, सॉरी ऑक्सीजन को +2 लेना है बजाय −2 के. चलो पहले मुझे सबके वो बताओ. हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है. ऑक्सीडेशन नंबर्स बताओ सबके पहले. हाँ जी, इसका +6 है, +6 है, कहाँ से इधर बोल रहे हो? हमने सिर्फ वो कंसिडर करना है, हमने ऑक्सीजन का देखना ना. इधर अगर हम ऑक्सीजन का −1 ले रहे हैं तो इधर भी तो ऑक्सीजन ही देखेंगे कि नहीं. ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में तो सिर्फ यही चीज देखेंगे हम. तो +3 + 6 क्या हुआ है, इंक्रीज बाय 3. इधर चलिए नेक्स्ट स्टेप करो ऑक्सीजन बैलेंस करने का. और मुझे फाइनल इक्वेशन बताओ जहां पर मैंने OH नेगेटिव आयन की बात की है आपसे. अब देखो अगर मैं इसको बैलेंस कर रही हूं, सी देख लो इधर, CrOH4 इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 प्लस H2O2 के साथ, ठीक है, 3 CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O. अब देखो ऑक्सीजन किस तरफ कम है, कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए. इस साइड कम है, इस साइड कम है, 5 लगाएं, यस,
रुक जा भाई, ये पांच बैलेंस हो गए ऑक्सीजन। अच्छा तूने मेरे को एक एक्स्ट्रा वाला बताया था। चलो अब नेक्स्ट हमने देखना है चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज किस तरफ बैलेंस है या अनबैलेंस है? इस तरफ वन है, इस तरफ हाई ऑक्सीजन। देखो ना यहाँ पर चार है, फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स कितने हो गए? टेन हो गए। इस तरफ देखो चार और एक ये पांच था, तो पांच मैंने लगा दिए, कौन ट्वेल्व हो जाएंगे? रुक जाओ अभी हाइड्रोजन की बात ही नहीं की हमने। मैंने अभी आपको ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तक कहा था, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो गई है अब यहाँ तक। अब चार्ज पे चलते हैं। चार्ज किस तरफ कम है? ये टू नेगेटिव है, ये वन नेगेटिव है, किस तरफ कम है? प्लस ओ एच नेगेटिव। दूसरी तरफ उतने ही हमने क्या ऐड करने हैं? उतने ही हमने क्या ऐड करने हैं? देखो बैलेंसिंग, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटा। एक एक मिस्टेक हमने यहाँ पे की है, आपने एटम्स जो हैं वो भी देखने हैं। यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ऑक्सीजन एटम देख रहे हैं, समझ आई बात? फिर आपने यहाँ पर इंटू टू भी करना था, तो ये टू बनेगा, ये टू बनेगा। चार्ज अब देखो, ये टू हो गया और यहाँ पे टू टू जा फोर हो गया, तो यहाँ पे टू लगेगा, यहाँ पर भी टू, ओ टू है ना, ओ टू है। यहाँ पर ऑक्सीजन का चेंज दो के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर एक है, तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आगे टू लग जाएगा, लग गया, ठीक है। ये टू हो गया, दिस इज टू नेगेटिव एंड दिस इज टू टू जा फोर नेगेटिव, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे टू एच पॉजिटिव लगाना पड़ा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे टू वाटर लगा। मैम एक बड़ी दोबारा समझ।